हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए। आई एम इन ऑस्ट्रेलिया दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारे नए साथी जो हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छे हैं, वेदर बहुत अच्छा है। स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी। सबसे पहले अपने माइंड में आओ तो सेट करके आना कि आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओ, क्योंकि होम सिकनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं पाओगे। घर की याद आएगी, लेकिन यहाँ पे वापस जाने का ऑप्शन नहीं होगा। वापस जाने का ऑप्शन से मतलब है कि आप यहाँ पे आते हो, थोड़े बहुत पैसे लगा के आते हो, ऐसे कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ की फ़ीस भी जो है बहुत कॉस्टली है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। वेदर जो है इंडिया के जैसा ही है, बिल्कुल वेदर इंडिया से अलग नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी चारों सीज़न हैं, जैसे अपने इंडिया में है रेनी सीज़न भी है। अभी जैसे इंडिया में गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे जो है सर्दियाँ चल रही है, यहाँ पे विंटर सीज़न है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है बिना हॉर्न के चलती हैं, ये मान के चलो आप। कीन की गाड़ियों में तो हॉर्न होता ही नहीं है, आपको रेयर ही कभी हॉर्न सुनाई देगा गाड़ियों में, क्योंकि इनका एक ही मोटो है कि अपनी लाइन में अगर बंदा चल रहा है तो अपनी ही लाइन में चले, लाइन क्रॉस ना करे। अब जैसे ये गाड़ी आ रही है, आप देखेंगे वो दूसरी साइड से निकल गई। सो मैं बात करूंगा आज जो मेरे साथी, मेरे फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट इनटेक में आने वाले हैं। अभी इससे जो अगला इनटेक होगा ऑस्ट्रेलिया आने का, वो सितंबर इनटेक होगा। और फर्स्ट थिंग, अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, वाह जी वाह, देखो कितनी अच्छी धूप निकल आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप निकल आई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वेदर जो है अपने इंडिया से, इंडिया के जैसा ही है। यहाँ पे कनाडा की तरह ठंड नहीं है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। तो मैं अपने उन साथियों को बताना चाहता हूँ जो सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं, कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यू आर लेट। और अब अभी भी टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर दो महीने हैं। अगर आपका आइल्स वगैरह क्लियर है तो आप अपने कंसल्टेंट से जो है फाइल लगवा सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर सितंबर इनटेक आपका मिस हो जाता है, या आप चाहते हैं कि खुद को थोड़ा सा और टाइम दे ताकि खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, या फंड्स वगैरह की दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है, तो आप इससे अगला इनटेक जो कि फैब इनटेक है, ये बहुत बड़ा इनटेक होने वाला है। फैब इनटेक इसमें दो मेन इनटेक होते हैं, एक फैब इनटेक होता है, एक जुलाई इनटेक होता है, जिसको आगे पीछे होते हैं। वैसे तो इनटेक चलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे एडमिशन देते रहते हैं, लेकिन जिसके में गैप है, गैप ईयर है, या कुछ और दिक्कत है, किसी के फंड्स में थोड़ी सी वेरिफिकेशन नहीं है अच्छे से, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो फैब इनटेक में ही आएं, क्योंकि फैब इनटेक एक बड़ा इनटेक है और आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आओ तो मन बना गया ना कि भाई अब यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, यानी कि मन लगाकर पढ़ना। यहाँ पे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब मेरा इंडिया में प्रोफेशन भी टीचिंग है और यहाँ भी हम जो है टीचिंग ही करेंगे, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है टीचर के लिए। अगर टीचर के लिए कोई आना चाहे तो उसको मैं स्पेशल रिकमेंड करूँगा कि टीचिंग के लिए यहाँ पे बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और पे रेट जो है इंडिया से, ये मान के चलो 50 गुना ज़्यादा है, इवन 100 गुना ज़्यादा है। इतने ही घंटे आप इंडिया में काम करते हैं, इतने ही घंटे आप यहाँ पे काम करते हैं, तो आप यहाँ कहीं ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो जो भी मेरे साथी हैं, जुलाई इनटेक अब जा चुका है और सितंबर इनटेक आने वाला है। सितंबर इनटेक में अगर जाना चाहते हैं तो अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आज और कल में अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ फिर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई ना करें। मैं यही सजेशन दूंगा, आप अप्लाई करें फिर नेक्स्ट ईयर फैब इनटेक। 6 महीने की बात है, अभी आ जाएगा फैब इनटेक, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी फाइल, उसकी प्रोसेसिंग आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक में बिज़ी हो जाएंगी तो आपकी सीओई वगैरह और ऑफर लेटर जो है, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद आपको वापस दिया जाएगा। यानी कि फैब इनटेक में आपको ऑफर लेटर ज़रूर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ठीक है, अभी के लिए इतनी अपडेट काफ़ी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।